everyone, welcome back to another video. Namaste, Sasri Akal. I hope you all are doing great और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया. So दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं. ये वीडियो का टाइटल है डिफरेंस बिटवीन इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एंड अफगानी पीपल रिएक्शन. सो भाई चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर अफगानी जो लोग हैं उनका क्या रिव्यू होता है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानी पाकिस्तान से तो वैसे भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं लिटरली. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है. सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं. और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे. सेलेक्ट द वीडियो. इंडिया में सही लग रहा है, बस थोड़ा गर्मी है. अफगानिस्तान में शांति हो जाए, सबको अपना देश अच्छा लगता है, अपना देश जाए वापस. हमारे सर पे बस लड़ाई ज्यादा है, नहीं तो उससे अच्छा मुल्क ठंडा है, सही से हवा है, सब कुछ मिलता है सही से. बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत है. ऐसे पाकिस्तानी है अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना. अफगानियों को पीटते बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ. सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है. मेरा नाम इस्मत. मेरा नाम अकबर. मेरा नाम मतीन. इंडिया में कब से हैं आप लोग? मेरा काफ़ी 6 साल हो गया. आप लोग? मेरा 2 साल. 1 साल. मेरा 5 साल हो गया. कैसा लग रहा है आप यहाँ पे इंडिया में? कैसा लग रहा है? अभी सही लग रहा है. अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आराम से रह रहे, बस लड़ाई नहीं है. अच्छा. और कहाँ पर लड़ाई है? अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान में. अच्छा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने लड़ाई देखी होगी इस उम्र में. ये सब देखा है? क्या देखा है? एक जगह पर हम खड़े थे तो एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो आप आतंकवादी बहुत ज़्यादा है. बस इंडिया में सही लग रहा है, बस थोड़ा गर्मी है ज़्यादा, सही लग रहा है. तो अच्छा, सही है. और गर्मी पाकिस्तान में भी है. पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ. पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा? कोई अच्छा नहीं लगता उधर. क्यों? लड़ाई बस पाकिस्तानी है अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना. अफगानियों को पीटते बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ. काफ़ी अफगानी है जिसके पास पैसे नहीं है ना, इलाज करने पाकिस्तान जाते हैं. जो जिसके पास पैसा इंडिया आता है, जिसके पास नहीं वो पाकिस्तान जाता है. फिर उधर मारपीट जाता है, पासपोर्ट वो जो सिफारत में जाते हैं वीज़ा लेने, उधर भी मार खाते. बहुत प्रॉब्लम है अफगानियों के लिए पाकिस्तान में. इंडिया में कैसा लग रहा है? इंडिया से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत आरामी भी है, इधर लड़ाई कुछ नहीं है. ये सारे आपके दोस्त हैं? दोस्त बन गए? कोई इंडियन बच्चे दोस्त ही बनाया? बनाया, 2-3 बनाया बस. बस 2-3 और बाकी 4-5 अफगानी? क्यों ऐसा? क्यों भेदभाव कर रहे हो इंडिया में? पहले मुझे हिंदी नहीं आता ना, मैंने अच्छा। उसका साथ इंडिया का. इसको हिंदी सिखा देना तभी तुम ये दोस्त बनाएगा. चलिए बहुत बढ़िया. एंड पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप लोग कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान नहीं है. आप हमारे साथ जाएंगे और अफगानिस्तान की रिक्शा करेंगे. अच्छा, आप जाना चाहेंगे पाकिस्तान कभी? नहीं, कभी नहीं जाते. जिसका वही प्रॉब्लम उधर जाएगा कोई है? इसका प्रॉब्लम जाएगा फिर उसका उधर जाएगा. ऐसा पाकिस्तान में अफगानियों का प्रॉब्लम है, कोई जाएगा उधर? नहीं जाएगा सब उसका. अपना मुल्क आपका अफगानिस्तान कैसा है, कितना उसके कुछ बताना चाहेंगे अपने अफगानिस्तान के बारे में? अफगानिस्तान तो देश हमारा बहुत बढ़िया है. लड़ाई ना हो तो सबसे और मौसम में, सब चीज़ में, फ्रूट में, सब चीज़ में पहले अफगानिस्तान बढ़िया है. मगर लड़ाई लड़ाई में सुना हो तो बढ़िया देश है अफगानिस्तान. अपने अफगानिस्तान के बारे में आप कुछ कहना चाहें, कैसा लगता है वहाँ पर? वहाँ पर कांटेक्ट होता है भाई बहन ये जो भी रहते हैं? हाँ, चाचा सब, मेरा पूरा फैमिली उधर है, बस हम इधर है. और हमारे सर पे बस लड़ाई ज़्यादा है, नहीं तो उससे अच्छा मुल्क ठंडा है, सही से हवा है, सब कुछ मिलता है सही से. बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत है और गुड. अच्छा, और अगर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहें अपने अफगानिस्तान को, अपने देश को, अपने मुल्क को, तो वो क्या मैसेज होगा? मैं बस वहाँ के वहाँ के प्रेजिडेंट को कहना चाहता हूँ सही से थोड़ा रक्षा करें अफगानिस्तान की, और ये सारे आतंकवादियों को भगा दें अफगानिस्तान से. बस यही. अफगानिस्तान का बहुत अच्छा मुल्क है, इंडिया का दोनों. कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मेरे को मैसेज नहीं है. मेरे पास मैसेज नहीं है, थोड़ा शर्मा रहे हैं. आप देना चाहेंगे मैसेज? तो हमारे अफगानिस्तान में शांति हो जाए, सबको अपना देश अच्छा लगता है, अपना देश जाए वापस आराम से, शांति हो जाए. तो और क्या चाहिए अफगानिस्तान को? वही चाहिए बस, शांति. और इंडिया में आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ, बस इंडिया में अच्छा लग रहा है. सही.
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। आई होप आप लोग अपने देश को भी बचाएं और हमारे देश में भी काफी काबिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें अफगानी जो है वो अफगानी बच्चे मतलब इतने इनोसेंट है, कितने मासूम से है। वो एक तो बोलता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या मैं बोलू, तो कंफ्यूज हो रहा था, शर्मा रहा था। अक्सर लोग कैमरे के आगे ना बहुत शाय फील करते हैं, कुछ लोग को आदत नहीं होती है ना कैमरा के आगे खड़े होने की या बात करने की है। तो इस वजह से लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड देखने को मिलता है। वीडियो बहुत अच्छा था, लोगों का फेस ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छे। मतलब देखो, पाकिस्तान में जो लोग आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं, जाहिर सी बात उनके पास पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इतनी फैसिलिटीज तो है नहीं, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी डैम भी इंडिया ने ही बनाकर दिया था अफगानिस्तान में, क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी हम देखें तो इंडिया में अब जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं लोग, जिनके पास पैसा है वो इंडिया में आ जाता है, क्योंकि इंडिया में नो डाउट पाकिस्तान से बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट, पाकिस्तान से लोग इंडिया में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर बात होगी। बाकी पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं, अफगानी बहुत 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 ज्यादा रहते हैं। फिर अब वो जिस कंडीशन में रहते हैं इट्स ऑल अप टू देम, क्योंकि अब जॉब जैसी करेंगे, ज्यादातर मैंने देखा है कालीन बेच रहे होते हैं, कुछ बर्तन वगैरह की शॉप्स होती हैं उनकी, या जूते सिलाई करने की शॉप्स होती है, मतलब इस टाइप की वो अपने ही काम करते हैं। वो छल्ली जो होती है जिसको हम कुट्टा भी कहते हैं, तो वो उसको कॉर्न जो है उसको जो है भून कर देते हैं, वो भी लगाते हैं स्टॉल्स, नान पकाते हैं, वो इस तरह के काम पाकिस्तान में ये लोग करते हैं। आई डोंट नो कि ये लोग इस तरह के काम क्यों करते हैं, क्योंकि अपर लेवल के भी काम कर सकते हैं, या फिर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू होता है इलीगल तौर पे है इसलिए भी इतना अपर लेवल पे काम करते हैं। लेकिन उनके काम बहुत अच्छे हैं, बड़े बिजनेस होते हैं। आप देखो ये अपना ही काम करते हैं, कालीन वगैरह और ये सारे शॉप्स होती हैं भाई, इनके कपड़े की शॉप्स हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इनकी चाय की शॉप्स होती हैं, पता नहीं कितने होटल्स हैं इनके। तो गरीब नहीं है यहाँ पर जो अफगानी है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। बस ये है कि पाकिस्तान में हैं तो इस वजह से इतना ज्यादा उनको डिमांड के ऊपर वो चल रहे हैं। ओवरऑल अच्छा वीडियो था, और बच्चों को जाहिर सी बात है वो इंडिया में रह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनकी बातों से जो मुझे फील हुआ वो यही हुआ कि वो अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमन हो, हमें अपनी कंट्री बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है जो भी इंसान रहता है अपनी कंट्री को, तो जाहिर सी बात है कहीं भी चला जाए, दुनिया की किसी भी सुकून वाली कंट्री में चला जाए, लेकिन उसको अपनी कंट्री हमेशा याद आती है। अगर वो लॉयल है अपनी कंट्री के साथ, पैट्रियोटिक है, तो उसको हमेशा अपनी कंट्री याद आएगी। सो मुझे तो ये जो है ना, मैं भी यही कहती हूँ कि यार अमन होना चाहिए, लड़ाइयों से कुछ नहीं रखा हुआ, ये गवर्नमेंट लेवल पर जो लड़ाइयां डाल के बैठे हैं इससे ये न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इस पे काम करना चाहिए इनको। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।